गए, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मैं यवतमाल के लिए निकल रहा हूँ। तो आज हम यवतमाल जाकर दुर्गा देवी के दर्शन लेने वाले हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज गौरव एंड यू आर वाचिंग गौरव ठाकरे व्लॉग्स। तो अभी हम यवतमाल पहुंच चुके हैं और अभी हम आए हैं यवतमाल के नेहरू चौक में। तो यहाँ पे बालाजी मंदिर की देवी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारे जो शिप है ना, उसके जैसे बनाई गई है। ये पूरा जहाज जैसे बनाया गया है और ऊपर देखो कितना अच्छा बनाया गया है। और इस बार स्टेज है ना ऊपर बनाया गया है। तो अभी हम आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में। तो यहाँ की देवी आप देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर दोस्तों। अभी हम आए हैं बसवेश्वर चौक में। तो पिछले साल भी मैं यहाँ पे आया था और यहाँ की मूर्ति ना बहुत ही सुंदर रहती है। तो चलिए जाके देखते हैं। ये देखो स्टेज ऐसा कुछ बनाया गया है। तो चलिए माता के दर्शन लेते हैं। तो दोस्तों ये बसवेश्वर चौक की देवी है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं गांधी चौक में। तो पिछले बार मैंने यहाँ पे कुछ शॉट्स वगैरह निकाले थे, अभी हम यहाँ पे ये साल आए हैं। तो यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ की जो मूर्ति रहती है ना, वो बहुत बड़ी रहती है। तो चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सर्व सुहागन देवा बाले आ मेरे मैया, सर्व सुहागन देवा बाले आ मेरे मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदर बिच। दोस्तों यहाँ पे पता के गाने चालू है और ये साइड हमारी माता की मूर्ति है और नीचे आपको राक्षस दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। इधर माता का शेर है और ये साइड भी एक राक्षस है। तो मूर्ति दिखने में तो वीडियो में छोटी दिखाई दे रही होगी, पर इसकी हाइट करीबन 20-25 फुट के ऊपर है। अभी हम आए हैं जय हिंद चौक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर मंडप डाला गया है। जो
जो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग वगैरह बनाई है। और उसी के साथ में जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर है, जैसे कि पीछे ब्लू कलर लगाया गया है और देवी की मूर्ति एकदम निखर के दिखाई दे रही है। देवी के हाथ में शंख है, देवी का मुकुट भी बहुत सुंदर है। हम आए हैं हिंदुस्तानी दुर्गा देवी मंदिर में। तो ये मंदिर आठोड़ी बाजार में है। तो यहाँ पे दुर्गा देवी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, ये मेरे दोस्त आशी ने मुझे बताया। गणपति जी की मूर्ति है। तो गाइज अभी हम आए थे हिंदुस्तानी दुर्गा देवी मंदिर में। तो इसका जो बाजार है ना, वो हमारे किलापुर जैसे दिखाई दे रहा है, तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, अभी ऐसा लग रहा था कि वो हमारे आंग पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे माता के फोटोज वगैरह, कप्तर पे यहाँ पे दुकानें लगी है। ये देखो बच्चों के खेलने की चीजें है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह है, वहाँ पे माता के फोटो फ्रेम, हर तरह की चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी और कम से कम दाम में। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 रुपये की सेल है, तो 10 रुपये में आपको इतनी सारी चीजें में से आप 10 रुपये में ले सकते हो। ये देखो 10 रुपये में सब कुछ, 10 रुपये में बहुत ही सस्ता ये मार्केट है। तो रात के समय तो और अच्छा दिखाई देता होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह रहती है। और मैंने सुना है कि ये माता के दर्शन करने के लिए पूरे यवतमाल से लोग आते हैं। तो माता की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद हम शायद बड़गांव की देवी देखने जा रहे हैं, तो चलिए जाके देखते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं दादा नगर में। तो यहाँ पे हर साल शिव दुर्गोत्सव मंडल की तरफ से यहाँ पे कुछ नया टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे इस साल हमारा जो केदारनाथ है ना, उसकी टीम यहाँ पे रखी गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और माता की मूर्ति का दर्शन करते हैं। आत्मदे जाने का मार्ग शिवराय दुर्गा देवी मंदिर। एक गुफा जैसे बनाया है दोस्तों, केदारनाथ का थीम है। Thank you.
गाइज अभी हम उज्जवल नगर आए हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ यूनिक दिखाई दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये अपना जो इंडिया गेट है उसके जैसे बनाया गया है। गाइज अभी हम वड़गांव की देवी देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पे एक डायनासोर का मुंह बनाया गया है, वहाँ से जाने के लिए रास्ता है, तो चलिए जाते हैं। तो गाइज ये गोवर्धन पर्वत के थीम में बनाया गया है, यहाँ पे श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं और पर्वत के नीचे भक्तगण खड़े हुए हैं। दोस्तों ये रही हमारी वड़गांव की मूवी, तो आप पीछे आप देख सकते थे शेर दिखाई दे रहा है। हम आए हैं लोकमान्य चौक से देवी देखने के लिए, तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। माता के हाथ में एक भगवा ध्वज है और माता को एक फेटा पहनाया गया है और यहाँ पे एक शेर है। बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति है। तो गाइज आज के इस व्लॉग में मैंने आपको यवतमाल की सारी देवियाँ दिखा दी है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया होगा और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल गौरव ठाकरे व्लॉग्स।